नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। मैं हिमानी, मेंबर ऑफ ट्राइगॉन क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। आइए जानते हैं इसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, दिया था और गए थे आता हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। आइए जानते हैं इसे इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। जिस सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे वह खाना खा चुकी थी, इस वाक्य के अंत में चुकी थी आ रहा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आइए जानते हैं इसके रूल्स। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। WH फैमिली में WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आइए इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तुम बाजार जा चुके थे। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, गोन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मार्केट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यू हैड गोन टू मार्केट। यू हैड नॉट गोन टू मार्केट। Had you gone to market? Had you not gone to market? Why had you gone to market? आइए इसे हिंदी में जानते हैं। तुम बाजार जा चुके थे। तुम बाजार नहीं जा चुके थे। क्या तुम बाजार जा चुके थे? क्या तुम बाजार नहीं जा चुके थे? तुम बाजार क्यों जा चुके थे? आज हमने सीखा past perfect tense। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये मेरी ईमेल आईडी है। So friends, that was Himani in front of you, signing off. Goodbye friends.